बैक टू माय चैनल ये वीडियो स्पीड वाइज बहुत फास्ट होगा बिकॉज कम समय में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूँ आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज पे हो अभी आपकी एग्जाम्स चल रही है नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड वन थिंग होप आपकी अकाउंट्स की एग्जाम अच्छी गई होगी आई डोंट नो कैसी गई है बट फॉरगेट वॉट हैपन टू अकाउंट एंड द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नाउ For next 1.5 day, up to the exam of lawyers your focus should be only and only on the subject of law. Now, what had happened to accounts? Nothing is in our control. What will happen to ITSM, EISSM? What will happen to costing? We, it, nothing is now in our control. Now, our focus will be on only one subject, that is for law.

सबसे पहली चीज इस बार खास करके सी एस आर की वीडियो देख लेना सीएसआर टॉपिक रिवाइज कर लेना बिकॉज इट हैड मेनी अमेंडमेंट्स सो मोस्ट लाइकली चांसेस कि CSR में से वो लोग ज्यादा मार्क्स का आपको पूछे अगर आपने सी एस आर अभी तक नहीं पढ़ा है या आपने बराबर से नहीं किया तो इसी चैनल के ऊपर सीएसआर की वीडियो है खास उसको टू एक्स स्पीड पे या वन पॉइंट फाइव एक्स की स्पीड पे एक बार देख लेना इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू प्लस डोंट मिस आउट टू चेक द आरटीपी वंस एंड अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर ना दिया हो तो खास करके उसको ओवरव्यू कर लेना मोर ओवर क्या पेनल्टी याद रखनी चाहिए तो जब आप मेरे साथ पढ़ते थे मैं मैं पहले कभी भी डिस्कस करता था, मैं हमेशा कहता था यू कैन इग्नोर पेनल्टी आज भी माई व्यू पॉइंट इज द सेम बट इज व्यू क्वेश्चन फॉर एनी वन लगभग

एजीएम फ्रॉड एन्युअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिविडेंड ये पांच जो पेनल्टीज है वो आप खास करके देख के जाना मोर ओवर अगर अब आपको कोई डाउट हो तो क्या करें कोई पेंडिंग टॉपिक्स या चैप्टर जो आज तक आपने देखे ही नहीं है तो क्या करें एंड कोई नया मटेरियल आपके पास आए तो क्या करें सबसे पहली चीज कोई नया मटेरियल आपके पास आता है तो उसे इग्नोर करिए फोकस एंड फॉलो ओनली व्हाट यू हैव रेड दिल नो न्यू मटेरियल नाउ डे एग्जाम पर यस येस अबाउट डाउट्स एंड व्हाट अबाउट पेंडिंग टॉपिक्स तो उसके लिए अब कोई और सॉल्यूशन नहीं है यू हैव टू अप्लाई थ्री टाइम रूल्स इसका मतलब क्या

when you are giving the exam of law your mindset will matter a lot so this video will help you to plan this video will help you to identify which are the important topics this video will help you to identify that that what and how you should study it will help you to boost and build up your mindset to take the blessings of your parents your teacher pray god

टाइम बाउंड सिचुएशन में देखने वाले हो इस वीडियो की स्पीड थोड़ी फास्ट होगी और इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी मटेरियल की बात करने वाला हूं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आप, आप है से डाउनलोड आपके फर्स्ट पेपर को देख इज ऑफ अकाउंट लॉ विल बी सेकेंड पेपर कॉर्पोरेट अदर लॉज ऑफ इंटरमीडिएट आपका लेके आपका परसों जो लॉ का पेपर है उसके बीच का जो टाइम है वो आप कैसे स्पेंड करोगे जिसमें आप एकदम इफेक्टिव तरीके से ज्यादा क्वालिटी इफेक्टिव क्वांटिटी को प्रिपेयर कर पाओ दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो सो प्लीज रिमेन इन दिस वीडियो टिल द एंड और आपने इस वीडियो को तो देखा बहुत अच्छा पर आपके काफी सारे फ्रेंड्स सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड नहीं हो बिकॉज एग्जाम्स है तो प्लीज उनके साथ शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इस वीडियो का फायदा मिले इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले तो मैं आपके साथ पूरा डे बिफोर एग्जामिनेशन का जो स्केड्यूल है टाइम टू टाइम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कौन से समय में आपको क्या करना है दूसरा एग्जाम के लिए आपका जो माइंडसेट बहुत जरूरी है बिकॉज इफ योर माइंड इज सेट विद द हेल्प ऑफ अ करेक्ट माइंडसेट तो माइंडसेट कैन इवन प्ले अ बेटर रोल देन द मोटिवेशन मोटिवेशन एंड माइंडसेट की अगर आप बात करो तो मोटिवेशन टाइम टाइमिंग होता है माइंडसेट परमानेंट होता है उसके ऊपर बात करेंगे चैप्टर वाइज वेटेज के ऊपर बात करेंगे ट्रेंड्स क्या है चैप्टर के क्लासिफिकेशन कैसे है कुछ टिप्स के बारे में टॉपिक वाइज कैटेगराइजेशन एंड बहुत सारी चीजों के के बारे में वीडियो अंदर देखने वाले हैं सबसे पहले अब हम बात करें टाइम टेबल के ऊपर तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो दो से पांच जो आपकी एग्जाम है राइट दैट इज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स वो आप देख के आओगे पांच बजे खत्म होगी तो पांच से छ फ्रॉम योर एग्जाम टू होम फिर फ्रेंड्स मैं आपको खास रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप घर से जब एग्जाम हॉल जाते हो एग्जाम हॉल से घर आते हो तो जब तक हो पाए तब तक आप पर्सनल ड्राइव करना अवॉइड करना आप अपने पेरेंट्स के साथ जा सकते हो जिससे आप आते जाते वक्त या तो पढ़ सकते हो या तो रेस्ट कर सकते हो जिससे काफी कम्युनिकेशन का समय आप इफेक्टिवली आपके बॉडी के लिए यूज कर सकते हो एंड अगर आपके पेरेंट्स फ्री ना हो तो आप

कुछ रहा उपाय तो मेडिटेशन कीजिए कोई कार्टून देखिए बट गेट फ्रेश फिर सात से साढ़े सात डिनर साढ़े सात से आठ प्रिपेयरिंग फॉर स्टडी यानी आपके सारे मटेरियल को रख दीजिए एंड वापस से स्टडी की शुरुआत करने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख ले फिर आठ से नौ एंड प्लेच एक घंटा आप सिर्फ एक कैटेगरी क्वेश्चंस करोगे फ्रेंड्स कैटेगरी आपको एंड में मिल जाएगी फिर नौ से दस एजेंसी सिर्फ ए कैटेगरी दस से ग्यारह इंडेमनिटी गारंटी ग्यारह से बारह ऑडिट वाला चैप्टर एक घंटा फ्रेंड्स आप जब ये कैटेगरी वाला पढ़ रहे हो तब अगर आप मेरे साथ पढ़े हुए हो तो आपने जो नोटबुक में लिखा है उतना भी आप देख लोगे तो बेशक चलेगा इसलिए मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया माय स्टूडेंट्स एंड अदर स्टूडेंट्स फिर 12 से 6 आपको सो जाना है क्योंकि आज आप एग्जाम देके आए हो आपने कल उतनी ज्यादा नींद नहीं ली होगी तो आज आप पूरी छह घंटे की नींद लोगे छह से सात रिफ्रेश एंड ब्रेकफास्ट दूसरे दिन के ऊपर आगे बढ़ते हैं सुबह सात से दस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तीन घंटे जो मेरे स्टूडेंट्स है वो ए एन बी कैटेगरी क्वेश्चन करेंगे दस से बारह आपका अकाउंट वाला चैप्टर दो घंटों के लिए जिसमें आप सिर्फ नोटबुक और ए कैटेगरी कर लो, कर लो तो कर लोगे तो चलेगा जो आप बाजू में स्क्रीन पे देख पा रहे हो बारह से साढ़े बारह लंचे बारह से एक रेस्ट एक से तीन शेयर कैपिटल वाला चैप्टर तीन से चार डिविडेंड चार से पांच चार्जेस फिर आप चार्जेस में देख पा रहे हो तो बाजू में मैंने लिखा है एन बी ऑनली अर्थात सिर्फ नोटबुक फ्रेंड्स आप ये कॉपी मत करना अभी टाइम स्पेंड मत करना इस ये पूरी जो फाइल आप स्क्रीन के ऊपर जो देख पा रहे हो ना अभी आप देख रहे हो ना जो राइट वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के तौर पर मिल जाएगी उसे डाउनलोड कर लेना इट इज फॉर योर रेफरेंस फिर छे से सात इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस फिर फ्रेंड्स सात से साढ़े सात डिनर साढ़े सात से आठ थोड़ा एंटरटेनमेंट थोड़ा फ्रेश हो जाइए फिर फ्रेंड्स आठ से साढ़े दस प्रोस्पेक्टिस चैप्टर साढ़े दस से बारह जनरल क्लॉज़ेस एक्ट क्योंकि फ्रेंड्स अब कल एग्जाम है आज आप छह घंटे की जगह पांच घंटे की नींद लोगे तो बारह से पांच डीप स्लिप डे ऑफ एग्जाम के ऊपर चले जाते हैं पांच से छह आपको रिफ्रेश एंड ब्रेकफास्ट ले लेना है सुबह अर्ली ब्रेकफास्ट ले लोगे वो ज्यादा अच्छा बिकॉज आपको लंच थोड़ा प्रिपोन करना होगा तो फिर आप एक अच्छे स्टेट में होगे और आप एग्जाम में फटीगनेस फील नहीं करोगे छे से साढ़े छह रजिस्टर्स आधा घंटा सिर्फ ए कैटेगरी टॉपिक्स साढ़े से आठ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूट डेढ़ घंटा आठ से नौ एमओ नौ से ग्यारह मीटिंग्स 11 से 11:30 लंच 11:30 से 12:30 प्रीलिमिनरी डेफिनेशंस यानी कि उसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो आप देख लो एंड 12:30 से 1 आप रेडी हो जाओ राइट एंड 1 से 2 आपकी जर्नी फ्रॉम योर होम टू दी एग्जाम वापस से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा दो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं पर्सनल ड्राइविंग मत करना राइट right, या तो आपके फ्रेंड्स या कैब का यूज करना सो so इसका

आपको आने वाले सब्जेक्ट्स का टेंशन है उसे भूल जाइए बी सब्जेक्ट सेंटर्ड बी सब्जेक्ट सेंट्रिक फोकस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ मुझे कुछ भी करके एग्जंपशन लाना है बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड बी पॉजिटिव जो कुछ भी हुआ भूल जाइए जो कुछ भी होने वाला है भूल जाइए बी रियलिस्टिक बी प्रैक्टिकल बी पॉजिटिव राइट एंड इफ यू बी पॉजिटिव इफ यू विजुलाइज पॉजिटिवनेस देन पॉजिटिव थिंग्स विल

आप जितना उपाय उतना लीगल इंग्लिश पढ़ोगे और लीगल इंग्लिश एग्जाम में लिखने का प्रयास करोगे डोंट मिस आउट ऑन दैट फ्रेंड्स प्लस पेनल्टी याद नहीं रखोगे तो चलेगा इट इज प्योरली ऑप्शनल आप जब प्रैक्टिकल का आंसर देते हो तो बी एनालिटिकल कैसे प्रैक्टिकल का आंसर देते हैं तो मैंने वो अलग वीडियो रखी है जो आप देख लेना या आपने अब तक देख ली होगी पिछले तीन अटेम्प्ट के आर देखना आवश्यक मैंने उसको कैटेगरी में कवर कर लिया है मॉक टेस्ट पेपर को भी देखना आवश्यक है एंड केस लॉस खास करके किसकी याद रखोगे छोटा सा लिस्ट पढ़ते प्रतिवक्त बना देना जो डॉक्टर है और जिसके ऊपर से प्रैक्टिकल पूछे गए एटलीस्ट उतने केस लॉस को आप याद Plus friends, एक मिनट नजर डाल देते हैं कुछ चीजों के ऊपर जैसे कि वेटेज के ऊपर ये ये पहले वाली वीडियोस में में डिस्कस किया है, ये, पर तो, से लेके तो आपके दिमाग रिफ्रेशमेंट हो जाए थोड़ा पास जाएगी बिकॉज ऑलरेडी पहले ये डिस्कस किया हुआ है नीचे भी अवेलेबल है

जबकि अदर लॉस जो है उसमें 35 to 55 आपके नॉलेज को and 45 to 65 आपके and को एनालिटिकल एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्किल्स टेस्ट किया जाएगा तो इसका खास ध्यान रखिए फ्रेंड्स कुछ पास्ट ट्रेंड्स के ऊपर आप एक ओवरव्यू डाल दो तो फ्रेंड्स आप जो देख पा रहे हो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार मीटिंग्स वाले चैप्टर में से पूछा गया है सो so फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक खाली सीक्वेंस आपको दी हुई है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो सी वी आई कैन अश्योर यू दैट दिस ट्रेंड्स आर गोइंग टू रिपीट बट दिस ट्रेंड्स कैन हेल्प यू टू डू इफेक्टिव प्रिपेरेश फिर फ्रेंड्स ये अदर लॉस के ट्रेंड्स फिर फ्रेंड्स ऐसे कुछ चैप्टर्स को मैंने यहां स्क्रीन के ऊपर लिखा है जिसके ऊपर आप एक बार खाली नजर डाल दीजिए ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो ऑलमोस्ट हर एक अटेम्प्ट में पूछे ही जाते हैं सो दिस आर लाइक ऑलवेज ऑलवेज कैटेगरी चैप्टर्स

क्या पढ़ू कहां से पढ़ू कैसे प्रिपेयर करूं कब प्रिपेयर करूं एंड कैसे प्रेजेंट करूं तो 10 मिनट और और स्पेंड कर लेना एक और वीडियो बेसिक गाइडेंस ऑन लॉ सब्जेक्ट है अभी आपके पास समय नहीं है पर फिर भी 10 मिनट देख लेना जिससे बहुत अच्छा रहेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही कुछ क्लैरिफिकेशन की बात कर दो बिफोर वी एंड ऑफ दिस वीडियो इज सिलेबस में से क्या निकल गया वो अभी तक आप क्लियर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन का क्लेरिफिकेशन वन चेक करना लॉ सब्जेक्ट कैसे पढ़े वो अभी भी आप क्लियर नहीं हो परसों एग्जाम है तो दस मिनट और निकाल 2 देखना। कैसे सकते हो? 3 देखना। right. इस के साथ देख सकते हो एंड कुछ चीजें आपके लिए अब भी अगर आप डिमोटिवेटेड हो और आप लॉ का सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो फ्रेंड्स हाउ टू स्टडी लॉ केस स्टडी अलग अलग कोरम प्रॉक्सी उसके ऊपर To success, RTPs, ये सब के अगर आप वीडियो फास्ट देखना चाहते हो तो इसी चैनल के ऊपर आपको गुड लक विश कर उसके पहले मैं आपको पता देना चाहता हूं कि हमने इस वीडियो के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स की बात की वो सारे डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड्स विश यू टन एंड टन ऑफ पॉजिटिव वाइब्स

पर आपके काफी सारे फ्रेंड्स ने ये वीडियो नहीं देखा होगा बिकॉज वो शायद से सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे तो जस्ट फ्रेंड्स दो मिनट निकाल के ये वीडियो को जितनी जगह हो पाए उतनी जगह शेयर कर देना जिससे उनको भी इसके बारे में पता चल जाए एंड फ्रेंड्स आप ये एग्जाम के पहले के लास्ट वीक में देख रहे हो तो इस वीडियो को जितने फ्रेंड्स को हो पाए उनके साथ बाउट टू माउंट पब्लिसिटी करके भी उनको शेयर करना जिससे आपके साथ साथ उनका भी कुछ भला हो जाएगा फ्टर दिनेशन विद मोर वीडियोज टू अपडेट एंड अपग्रेड यू बिकॉज इस चैनल के ऊपर सिर्फ आपको पढ़ाई रिलेटेड ही नहीं मिलते इस चैनल के ऊपर आपको ओवरऑल अपडेट के लिए भी मिलते हैं so, सो बने रहिए इस चैनल के ऊपर सी यू सोन थैंक यू एंड विश यू गुड लक सो फ्रेंड्स होप आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा आखिरकार मैं एंड में आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ये वीडियो को खत्म करने के बाद दो चीज करना एक पांच मिनट निकाल के जितने सोशल मीडिया तो हेल्प करने ही वाला है आपसे इच्छा है दूसरी चीज आधे घंटे का रेस्ट ले लेना फिर आपका डिनर कर लेना जल्दी एंड फिर लॉ की पढ़ाई करने लग जाना और वैसे भी मैंने टाइम टेबल पूरा आपके साथ अंदर वीडियो में डिस्कस किया है बेस्ट ऑफ लक ट एवरीथिंग स्टार्ट स्टडिंग कोई भी अफवाह में ICA के के बारे में जब भी कोई भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट आएगा आप दो चीज कर सकते हो वो सही है कि वेबसाइट पर जाकर चेक करो और दूसरा इस चैनल के आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा इस वीडियो को देख लेना राइट सो so, आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मोर ओवर सो टू एंड अपट बी कम एंड स्टडी फॉर एवरीथिंग विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर यूर एग्जामिनेशन एंड मेरा मंत्र अगर आपके साथ शेयर करूं फ्रेंड्स तो मैं आपको कह सकता हूं कि बी कूल बाय माइंड बी कॉन्फिडेंट बाय एटीट्यूड एंड बी क्लियर बाय योर पर्सपेक्टिव इन योर प्रेजेंटेशन इन एग्जामिनेशन इफ यू कूल कॉन्फिडेंट एंड क्लियर नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेमिंग द एग्जामिनेशन गॉड ब्लेस यू अगेन सेल्यूट यूर टू एफर्ट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दीडियो गॉड ब्लेस यू एंड आई एम कॉन्फिडेंट दट यू आर गोइंग टू रॉक इन द एग्जामिनेशन टू कम थैंक यू